इकबाल के शेर की वजाहत फरमा दें। ठहर न सका किसी खानकाह में इकबाल, के है ज़रीफ़ व खुश अंदेशा व शगुफ्ता दिमाग। देखिए, खानकाही निज़ाम का एक हिस्सा ये था, बहुत ज़्यादा संजीदगी, बहुत ज़्यादा इबादत, बहुत ज़्यादा अपने मुर्शिद का और अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का अदब व एहतराम। एक ख़ास प्रोटोकॉल की फ़ज़ा होती है जिसमें किसी को हंसता हुआ भी नहीं देखा जाता, जो खानकाही निज़ाम का पहले हिस्सा रहा है। तो इसलिए इकबाल वहाँ नहीं टिक सका। इकबाल तो ज़राफ़त वाला आदमी था, हिस्से मज़ा रखता था, हिस्से लतीफ़ रखता था। जो हिस्से लतीफ़ इतनी कसीर तादाद में जिसको नसीब हो, और खुश अंदेश, उसने किसी पे ना तनकीद करनी है, ना किसी के बारे में बुरा गुमान करना है, ना कमज़ोर गुमान करना है, हर एक के बारे में अच्छे अंदेशे लगाने हैं, अच्छे अंदाजे लगाने हैं। वरना वहाँ तो लोगों ने एक दूसरे की बताना है कि इसने ये किया, इसने आज नमाज़ छोड़ दी, इसने आज रुकू में ये किया। वो तो पाबंदियाँ हैं वहाँ, और अल्लामा पाबंदियों का कायल कभी भी नहीं रहा। उसने तो यहाँ तक कह दिया, तेरे मजबूर बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। क्यों? कि पाबंदी अल्लामा का मिजाज नहीं था, और दिमाग उसका बहुत वसी था। खानकाही निज़ाम में बंदे को एक्स्ट्रा सोचने की भी इजाज़त नहीं होती थी। उसने उसी सिस्टम में रह के सोचना है, वही कुतुब का मुतालिया करना है जो मुर्शिद ने हुक्म दे दिया है। अपनी मर्ज़ी से मुतालियात भी नहीं वो कर सकते। उनको दिया जाता था कि तुमने ये किताब पढ़नी है, उसके बाद हमसे डिस्कस करना है, फिर ये किताब पढ़नी है। तो वो जो खुले जहन का आदमी है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इस खानगाही सिस्टम में अपने आप को कैद कर लेता। ये अल्लामा यहाँ कहना चाह रहा है अपने बारे में कि मैं एक आज़ाद परिंदों की तरह बागों में चहचहाने वाला एक परिंदा हूँ, मैं किसी कैद में, किसी पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। यहाँ उनकी मुराद नेगेटिव नहीं है, वो एक माहौल की निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ फ्रैंक माहौल नहीं होता खानकाहों में, क्योंकि तालीम का माहौल होता है, अदब का माहौल होता है, इबादत का माहौल होता है। तो मैं तो बहुत ही फ्री आदमी हूँ। जैसे वो शरकपुरी, शेर मोहम्मद शरकपुरी के यहाँ गए तो चिट भेजी, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं चिट देनी आपकी पीर साहब को, वो तो बग़ैर दाढ़ी वाले से मिलते ही नहीं हैं। अल्लामा ने एक शेर लिखा, मुझे अब शेर नहीं याद, और कहा कि जब वो बाहर निकलें तो ये दे देना। जब उनको दिया बाबा जी को, कहने लगे किधर गया ये बंदा? उन्होंने कहा जी वो तो टांगे पे बह के चला गया है, उसने तो ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बग़ैर जूते पहने शेर मोहम्मद शरकपुरी ने दौड़ लगा दी। मुरीदैन देख रहे हैं कि बाबा जी को क्या हो गया, ये तो बग़ैर दाढ़ी वाले से मिलते नहीं, ये उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो वो जाके स्टेशन पे पकड़ा, मिन्नत की, लेके आए। उन्होंने कहा बाबा जी, उन्होंने कहा जो तुम्हें इसकी दाढ़ी नज़र नहीं आ रही, मुझसे बहुत लंबी दाढ़ी है इसकी जी। तो मतलब मैं पाबंदियों से ज़रा थोड़ा हटा हुआ था, शगुफ्ता मिजाज था। कई लोग अल्लामा को दरवेश नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि एक इतनी बड़ी बात है उसमें जो किसी में नहीं, वो है दर्द उम्मत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर था। रातों के मेरे आका जागते, रोते, गिड़गिड़ाते, सीना हांडी की तरह खोलता, क्या दुआएं करते थे उम्मत के दीन की समझ के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उन पर रहमत के लिए, उनकी मगफरत के लिए, कि उम्मत की भलाई हो, इंसानों की भलाई हो। वो दर्द जो सरकार को मिला था, उसमें से हिस्सा पा गया अल्लामा इकबाल, और वहीं से अल्लाह के ख़ास बंदों में उनका शुमार हो गया, इनाम याफ्ता लोगों में शुमार हो गया। अभी खानकाही निज़ाम में जो सख्ती थी, ये अल्लामा के दौर में हुई थी कि शुरू से? नहीं नहीं, सख्ती नहीं है इसको, मैं कह रहा पाबंदियाँ होती हैं, पाबंदी के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। किसी भी टीचर के पास आप जाते हैं, स्कूलों में प्राइवेट पढ़ लें, ट्यूशन पढ़ लें, आपको कोई पाबंदियाँ उठानी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फालतू बात करने की भी इजाज़त नहीं होती, सवाल करने की भी इजाज़त नहीं होती। जो बताया जा रहा है सुनो, गौर करो,
तवज्जो दो, तो वो अल्लामा का मिजाज उसको कबूल नहीं करता था। अल्लामा ने तो अपने निशान देखे हैं।